दोस्तों मैं आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दे दूं और वो खबर ये है कि अब अमेरिका ने चाइना की न्यूक्लियर घेराबंदी शुरू कर दी है। मैं आपको पिछले 3 दिनों में 3 ऐसी वीडियोस दे चुका हूं जिसमें आपने नोटिस किया होगा कि भारत की परमाणु ताकत बढ़ रही है और अमेरिका इसके लिए पुश कर रहा है भारत को ताकतवर बनाने की कोशिश कर रहा है। और एक्चुअली न केवल अमेरिका बल्कि इसके पीछे यूके और फ्रांस भी काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं। ये तीनों देश मिलकर, ये तीनों महाशक्तियाँ इस समय चाइना की न्यूक्लियर घेराबंदी करना चाहते हैं, ठीक वैसी ही घेराबंदी जैसी कि किसी ज़माने में सोवियत यूनियन की थी और आखिरकार सोवियत यूनियन को तोड़कर कई टुकड़ों में बिखेर दिया। खबर बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप बस इस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों ऑकस नाम का एक समूह है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूएस और यूके शामिल है, जिसको लेकर एक डील हुई थी न्यूक्लियर सबमरीन को, यानी इसके तहत यूएस और यूके मिलकर ऑस्ट्रेलिया के लिए SSN तैयार करने वाले हैं, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन, जो कि चाइना को काउंटर करने के लिए पर्याप्त होंगी। अभी जब ये डील हुई थी उस समय काफी बखेड़े हुए थे। कारण ये था कि इस तरह की पहले डील ऑस्ट्रेलिया कर चुका था फ्रांस के साथ, लेकिन अमेरिका और यूके दोनों मिलकर ये डील को तुड़वा देते हैं और खुद डील अपने नाम कर लेते हैं। उस समय काफी कुछ बखेरा हुआ। फ्रांस को ये लगा कि शायद यूके और यूएस हमको नुकसान पहुंचाकर होने वाला पूरा फायदा अपने नाम करवा रहे हैं, लेकिन अब ये सारी चीजें खुलकर बाहर आ रही है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है और वो स्ट्रैटेजी है चाइना को घेरने की। कैसे, देखिए अभी दोपहर वाली वीडियो में ही हमने डिस्कशन किया कि भारत को न्यूक्लियर अटैक सबमरीन देने के लिए एक नया संगठन बनाया जा सकता है जिसमें होगा अमेरिका, फ्रांस और भारत, जिसको नाम दिया जा रहा है इन्फ्रूस। तो ठीक इसी तरह से ब्रिटेन और यूएस मिलकर ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन दे रहे हैं। तो कहने का मतलब इन तीनों ही महाशक्तियों को चीन के खिलाफ उतारा गया है और चीन की घेराबंदी करने के लिए बाकी के जितने भी सहयोगी देश हैं उन सभी को लिया गया है। अभी आप यहाँ पर नेटो का पैटर्न देखिए कि नेटो कंट्रीज वही सारी देश हैं जो कि रशिया के आजू बाजू हैं, बराबर, ताकि उनकी घेराबंदी की जा सके। अभी आप कल्पना कीजिए कि अगर रशिया को घेरने के लिए नेटो के लिए कोई एशियन कंट्री होती, भारत होता मान लो, तो क्या ये पॉसिबल होता? भारत फिर यहाँ से दौड़ लगाकर अमेरिका पहुंचता, अमेरिका के साथ मिलकर फिर रशिया तक दौड़ लगाता? पॉसिबल नहीं था। इससे अच्छा क्या था कि रशिया के आसपास जितनी भी कंट्रीज है उन्हें अपने संगठन में शामिल कर लिया जाए ताकि उनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन का भी इस्तेमाल किया जा सके और जितना हो सके उतने रशिया के नजदीक पहुंचकर फिर उसकी घेराबंदी की जाए। अभी चाइना के लिए भी ऐसा ही कुछ किया जा रहा है। ये तीनों ही महाशक्तियां ऊपर रहकर अपनी पावर देंगी चाइना के जितने भी पड़ोसी हैं उन्हें, जिसमें मुख्यतः भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, इस तरह के भी बहुत सारे देशों को अमेरिका एक कर चुका होगा और इन सब का एक एशियन नेटो बनाकर चाइना के खिलाफ घेराबंदी करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। देख लीजिएगा आप, बिल्कुल वही पैटर्न इस समय दिखाई दे रहा है। अभी कुछ खबरें निकल कर आई है, दरअसल ये खबरें खुद चाइना की तरफ से दी गई है। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र यानी गोबर टाइम की तरफ से ही इस बात का खुलासा किया गया है कि ऑकस डील के चलते यूके और यूएस इन दोनों ने मिलकर 100 परमाणु बम बनाए जा सके इतना मटेरियल ऑस्ट्रेलिया भेज दिया है। सीधी सी बात है, ऑस्ट्रेलिया को भी न्यूक्लियर पावर दे रहे हैं ये लोग, यानी फ्रांस और अमेरिका भारत की डिटरेंस पावर को बढ़ा रहे हैं। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया जिसके पास इस समय तक न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है उसे अब न्यूक्लियर वेपन्स सौंपने जा रहे हैं और बहाना लिया गया है ऑकस डील का, जिसके तहत न्यूक्लियर सबमरीन्स ऑस्ट्रेलिया के लिए बनाई जा रही है। ये आप आर्टिकल पढ़ रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। इसको चाइना की तरफ से नाम दिया गया है द न्यूक्लियर प्लोरीफेरेशन रिस्क, यानी परमाणु का प्रसार जोखिम। कहने का मतलब यहाँ पर अमेरिका ने सीधे सीधे चाइना के खिलाफ एक न्यूक्लियर कोल्ड वॉर छेड़ दी है। हम समझ ही नहीं पाए इस बात को और न जाने ऑकस डील जब हुई थी उसके बाद हमने कितने सारे अलग अलग प्रिडिक्शन किए, लेकिन इसके पीछे मेन मकसद ये था कि ऑस्ट्रेलिया को बचाया जाए। आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के खास अलायंस में से एक है। जितनी भी इंग्लिश स्पोकन कंट्रीज हैं दुनिया में, एक्चुअली कुल 5 कंट्रीज है, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा, इन 5 कंट्री का बेहतरीन अलायंस है आपस में। इन 5 कंट्रीज को एक ही आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर अमेरिका की यही चाल है कि ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर वेपन सौंप दिए जाए, उसे न्यूक्लियर पावर्ड बना दिया जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कभी भी अमेरिका के लिए खतरा तो नहीं हो सकता, लेकिन चाइना को काउंटर करने के लिए इससे बेहतरीन मौका दूसरा नहीं मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो चाइना की सारी चालें यूं ही धराशायी हो जाएगी। लेकिन अगर ये प्लान सक्सेसफुल नहीं होता तो चाइना अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएगा और चाइना के मंसूबे बहुत खतरनाक हैं। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है? ऑस्ट्रेलिया को ये जो न्यूक्लियर वेपन देने की बातें कही जा रही है इससे आप खुश हैं या फिर नहीं, नीचे कॉमेंट जरूर कीजिएगा।